धना जी का सपना खंडेराव की लाश देखना पूरा होगा क्या? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। धना जी सरदार के लिए पल पल मुश्किल हो रहा है, वो पल पल आगे बढ़ के वेट कर रहे हैं कि कैसे भी करके मैं अपने खंडेराव की लाश देखूं, खून से लथपथ लाश देखूं। तो ये सपना है एक ऐसे इंसान का जिसने खंडेराव को अपने हाथों से खिलाया है, जिसने खंडेराव को सामने खेलते हुए देखा है बचपन में, और अपने बेटे के साथ कितनी रिस्पेक्ट से उनको देखा है बात करते हुए। ये इंसान ऐसी बात सोच रहा है, इकलौते बेटे अपने दोस्त के बेटे के लिए ये बात सोच रहा है। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो धना जी सरदार ने मीर मनी खान की पूरी प्लानिंग सुन ली, जो उन्होंने बताई जो उन्होंने नहीं बताई, उनका जो मीर मनी खान का कॉन्फिडेंस था वही देख के धना जी सरदार अंदर अंदर से सपने देखने लग गए हैं कि अब देखना क्या होता है, और कह देते हैं अपने तरीके से कि लाश देखना है मुझे खंडेराव की, खून से लथपथ लाश। तो जब ये बात कहते हैं तो ये आप लोगों के लिए मैं बता रही हूं कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये सपना तो डेफिनेटली पूरा नहीं होगा। अगर ये आम सीरियल होता तो हम लोग फिर भी एक दुख दुख में रहते कि पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए। हाँ, थोड़ा बहुत नुकसान जरूर हो सकता है, जख्मी जरूर हो सकता है खंडेराव, मगर लाश देखने वाला सपना तो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि खंडेराव करैक्टर जो है वो हिस्टोरिकल करैक्टर है और उनकी कब मौत हुई, किसके हाथों मौत हुई, ये सब हिस्ट्री में दर्ज है। इसलिए मीर मनी खान तो उनकी मौत कर नहीं पाएंगे, उनको हरा नहीं पाएंगे, तो ये सपना धना जी सरदार का सपना ही रह जाएगा। हो सकता है इससे उल्टा हो कि खंडेराव को अगर मीर मनी खान पकड़ भी लेते हैं तो उसके बाद मीर मनी खान अपने तरीके से क्या संधि करें क्या ना करें कि धना जी सरदार को ही मल्हार सरकार के सामने पेश कर दे, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये सब ड्रामा जो है आगे क्रिएट करने पड़ेंगे। और ये अगर होगा तो धना जी सरदार को तो दोनों तरफ से घेर लिया जाएगा, मल्हार सरकार के सामने वो आ नहीं पाएंगे, और मीर मनी खान ऐसा करे ऐसा लग रहा है। तो ये जो सपने उल्टे होने वाले हैं इनके, ये देखना दिलचस्प होगा दोस्तों, क्योंकि ये जो कहते हैं धना जी सरदार मीर मनी खान के साथ बातें करते हैं कि ऐसा वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, ये आता है वो आता है, मगर मीर मनी खान उनकी जुबान बंद कर देते हैं, इसका मतलब साफ है दोस्तों कि वो इनसे पूरे ओपन नहीं है, उन्होंने अपने पत्ते संभाल के रखे हुए हैं मीर मनी खान ने, और वो जानते हैं कि ये जो गद्दार है मेरे लिए कहां से फेथफुल हो सकता है, इसलिए मुझे क्या जरूरत है इसके सामने पत्ते खोलने की। बस अभी थोड़ी देर के लिए मीर मनी खान को एंटरटेन जरूर कर रहे हैं, जब तक जरूरत रहेगी तब तक धना जी सरदार उनके साथ रहेंगे, जरूरत पूरी और धना जी सरदार मल्हार सरकार के सामने होंगे। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.